हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन के बारे में। इससे पहले मैंने बिजनेस लॉ की और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड करी अपने इस चैनल पे, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा, वहां से उसको देख सकते हैं। चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक पढ़ा था ना, तो वहां पे देखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है, जिसमें हमने कंसीडरेशन की भी पढ़ाई की थी। तो कंसीडरेशन सिर्फ होना जरूरी नहीं है, कंसीडरेशन का वैलिड होना भी जरूरी है, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का भी होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट का वैलिड या फिर कह लो लॉफुल होना भी जरूरी है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? तो ऑब्जेक्ट मीन्स पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मकसद। पर्पस का मतलब होता है मकसद। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं तो उसके पीछे दोनों पार्टीज का क्या मकसद है, दैट इज ऑब्जेक्ट। कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन। अगर आप कोई चीज दे रहे हैं तो उसके बदले आपको क्या मिल रहा है। सपोज ए एंड बी दो पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं। ए का कहना है कि वो अपना स्कूटर 10,000 रुपए में बी को बेचने वाला है, ठीक है। अब बी 10,000 रुपए देता है और उसकी स्कूटर ले जाता है। ए को स्कूटर देने के बदले क्या मिला? 10,000 रुपए मिले। बी को 10,000 रुपए देने के बदले स्कूटर मिला। तो ए जो के लिए जो कंसिडरेशन होगा वो क्या होगा? 10,000 रुपए। और बी के लिए जो कंसिडरेशन होगा वो होगा स्कूटर। मतलब ए ने स्कूटर दिया तो बदले में उसको क्या मिला? 10,000 रुपए। बी ने अगर 10,000 रुपए दिए तो उसके बदले में उसको क्या मिला? स्कूटर मिला। तो जो भी आपके देने के बदले में मिलेगा दैट इज योर कंसिडरेशन, ठीक है। अब लॉफुल मीन्स परमिटेड बाय लॉ, मतलब जिसका परमिशन लॉ देता हो, ठीक है, जिसका परमिशन लॉ देता हो दैट इज लॉफुल। तो अब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही लॉफुल होना चाहिए, दोनों ही वैलिड होना चाहिए। ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा पर्पस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आने का जिसका परमिशन आपको लॉ देता हो, और ऐसा कंसिडरेशन होना चाहिए जिसका परमिशन आपको लॉ देता हो। कोई भी अनलॉफुल चीजें नहीं होनी चाहिए। अब देखो, हमारा ऑब्जेक्ट या हमारा कंसिडरेशन दोनों ही लॉफुल या वैलिड होता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? वैलिड होगा और बिल्कुल ही लॉफुल होगा। अब देखो, सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कंसिडरेशन या फिर जो ऑब्जेक्ट है, जो मकसद है कॉन्ट्रैक्ट में आने का, वो अनलॉफुल और वॉइड कहलाएगा इन कुछ सिचुएशन के अंदर। तो इन सिचुएशन को डिटेल में पढ़ लेते हैं, जैसे स्पेसिफिकली फॉरबिडन बाय लॉ, ऑफ सच अ नेचर दैट दे वुड डिफीट द पर्पस ऑफ द लॉ, आर फ्रॉडुलेंट, इन्वॉल्व इंजरी टू एनी अदर पर्सन और प्रॉपर्टी, द कोर्ट रिगार्ड देम एज इमोरल, आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इन सभी को, इन सारे सिचुएशन को हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। देखो, नंबर वन है फॉरबिडन बाय लॉ। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और द कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट करने का मकसद या फिर उसका कंसिडरेशन प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा, मतलब लॉ के द्वारा इसकी मनाही होगी, देन दे आर नॉट लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट एनी मोर। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट में आने का जो मकसद है या फिर उसके पीछे जो कंसिडरेशन है वो ऑलरेडी लॉ के द्वारा परमिट नहीं किया गया है, लॉ उसकी मनाही करता है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बिल्कुल ही अनलॉफुल होगा और वो आगे जाके वैलिड नहीं हो सकता। सो सच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी वैलिड एनी मोर, ठीक है। देखिए एग्जांपल, इफ देयर इज एनी अग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इन ऑर्डर टू शूट सी और टू मर्डर हिम, अगर एक एग्रीमेंट होता है ए और बी के बीच में सी को मार डालने का, सी को गोली से उड़ा देने का या फिर उसको मार देने का। अब किसी का मर्डर करने का जो अग्रीमेंट है, क्या इसका परमिशन लॉ देगा? लॉ के तरफ से तो इसकी मना ही है। दिस एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी इज नॉट एनफोर्सिएबल। यहाँ पे मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सी का खून करना। तो खून करना किसी भी लॉ के अंदर सही नहीं माना जाता। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल है, इसलिए हमारा जो ये अग्रीमेंट है आगे जाके एनफोर्सिएबल हो ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वेयर अ लोन वॉज ग्रांटेड टू गार्जियन ऑफ अ माइनर टू अरेंज द माइनर्स मैरिज। एक लोन ग्रांट होता है माइनर के गार्जियन को ताकि वो माइनर की शादी अरेंज कर सके, ठीक है। हैज बीन हेल्ड टू बी कॉन्ट्ररी टू एनेक्टमेंट
ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड रिस्ट्रेंट एक्ट एंड देयर फॉर वॉइड। अब हमारा लॉ परमिशन देता है क्या माइनर की शादी कराने के लिए? तो अगर कोई लोन ग्रांट किया गया है तो ये लोन जो ग्रांट किया गया है इसका जो मकसद है, जो पर्पस है, वो क्या है? लॉ के खिलाफ है, लॉफुल नहीं है। तो क्योंकि इसका मकसद लॉफुल नहीं है, हमें हमारा जो लॉ है वो माइनर के शादी को बिल्कुल भी मनाही करता है, तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कह सकते। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई पैसे एडवांस भी दिए हैं तो वो भी रिकवर इस केस में नहीं कर पाएगा सामने। सेकंड क्या है हमारा? कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ द लॉ। कोई भी कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में आने का या फिर जो उसका पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो किसी लॉ के प्रोविजन को अगर डिफीट करता हो, दिस मीन्स इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्राइंग टू डिफीट द इंटेंशन ऑफ द लॉ। इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी तरीके से किसी भी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा हो, ठीक है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में या फिर एग्रीमेंट में आ रही हैं, उनके इस एग्रीमेंट के में आने की वजह से लॉ का कोई प्रोविजन टूट सकता है, तो ऐसे एग्रीमेंट को कभी भी कोर्ट एनफोर्स नहीं होने देती है। जैसे मान लीजिए ए एंड बी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ए यहाँ पे क्या है? डेटर है, और बी जो पैसे देता है ना उसको, उसमें किसी भी तरीके का लिमिटेशन उस पे नहीं लगाता। तो क्योंकि इस एग्रीमेंट में लिमिटेशन नहीं लगाया जा रहा डेटर पे, दैट मींस कि यहाँ पे कौन से लॉ को तोड़ा जा रहा है? लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन को तोड़ा जा रहा है। क्योंकि किसी लॉ के प्रोविजन को तोड़ा जा रहा है इस एग्रीमेंट के अंदर, तो इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कभी भी लॉ जो है वो एनफोर्स नहीं करेगी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट बन भी जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वॉइड होगा। क्यों वॉइड होगा? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। नेक्स्ट क्या है हमारा? फ्रॉडुलेंट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। अगर जो कंसिडरेशन है या फिर जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने का, वो किसी को फ्रॉड करने का हो, उसका इंटेंशन है किसी के साथ गलत करने का, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी फ्रॉडुलेंट। लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो होता है वो कभी भी किसी को फ्रॉड करने के ख्याल का नहीं होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं और आपका जो कंसिडरेशन है और जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का पर्पस है, मीन्स की ऑब्जेक्ट है, अगर वो अनलॉफुल है और किसी के साथ फ्रॉड करने की नीयत से किया गया है, तो ये बिल्कुल ही वॉइड नेचर का होगा। जिससे देखिए एग्जाम्पल, ए डिसाइड टू सेल गुड्स टू बी, ठीक है। ए डिसाइड करता है बी को कि भाई मैं इसे गुड्स दूंगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच क्या करार हुआ है ना कि तुम मुझे गुड्स दो और मैं इसको आगे दूसरे देश में स्मगलिंग कर दूंगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटेंशन है, इन दोनों का जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? फ्रॉड करने का है। तो ये ट्रांजेक्शन फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है, इसलिए ये जो अग्रीमेंट है ये क्या हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो जाएगा। अगर बी चाहे ए के ना डिलीवर करने पे, प्रॉमिस ना पूरा करने पे, इसको वो कोर्ट में घसीट नहीं सकता, इससे मनी रिकवर नहीं कर सकता इन फ्यूचर अगर ये अग्रीमेंट आगे चल जाता तो, क्योंकि ये कंप्लीटली वॉइड है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल ही अनलॉफुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिफीट एनी रूल इन इफेक्ट। अगर आपके अग्रीमेंट में आने की वजह से उस समय, उस टाइम बीइंग में देश के अंदर कोई नियम चल रहा है, अगर वो नियम टूट रहा हो, तो ऐसे एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं। देखिए, इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अगेंस्ट एनी रूल इन इफेक्ट, अगर जो भी कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट है, वो किसी भी रूल के खिलाफ है जो अभी कंट्री के अंदर इस टाइम में चल रहा हो, उसके खिलाफ है, तो वो कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं माना जाएगा। इसलिए इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो भी वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हेन दे इन्वॉल्व इंजरी टू अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी। अगर आपके एग्रीमेंट या आपके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी दूसरे पर्सन को इंजरी हो या फिर उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी हो, अगर हम लीगल टर्म्स में देखें तो इंजरी का मतलब होता है क्रिमिनल एंड हार्मफुल रॉन्ग डन टू अनदर पर्सन। सिंपल सा लॉ के केस में कहा जाता है कि इंजरी साफ मतलब है कि आपने सामने वाले के साथ कुछ हार्मफुल एक्ट किया है या फिर कुछ
क्रिमिनल एक्ट किया है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट का किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी या उस पर्सन को हार्म पहुंचाने की है तो ऐसे ऑब्जेक्ट और ऐसे कंसिडरेशन अनलॉफुल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट टू पब्लिश अ बुक दैट इज अ वॉयलेशन ऑफ अनदर पर्सन कॉपीराइट वुड बी वॉइड। अगर आप एक बुक पब्लिश कराना चाहते हैं और आपके इस बुक पब्लिश करने की वजह से किसी दूसरे पर्सन की कॉपीराइट वॉयलेट होती है, ठीक है, तो आपका ये जो बुक पब्लिश का जो अग्रीमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो जाएगा। क्यों वॉइड होगा? क्योंकि आपका जो कंसिडरेशन है वो क्या है, अनलॉफुल है, क्योंकि आप दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजरी कर रहे हो, उनको हार्म पहुंचा रहे हो। प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, कॉपीराइट। देखिए आगे, व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल, इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन आर रिगार्डेड बाय द कोर्ट एज इमोरल, अगर कोर्ट आपके अग्रीमेंट के ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को इमोरल करार दे दे, ठीक है, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन होते हैं वो अनलॉफुल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए लेंट मनी टू बी टू ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। ए कुछ पैसे देता है बी को, ठीक है, क्यों, ताकि वो अपने हस्बैंड सी से डाइवोर्स ले सके, ठीक है। इट वॉज एग्रीड वंस बी ऑब्टेन द डाइवोर्स ए वुड मैरी हर। इससे पहले क्या करार हुआ था इन दोनों के बीच में, कि अगर बी अपने हस्बैंड को तलाक दे दे तो ए उससे शादी कर लेगा, इसीलिए वो उसको पैसे दिया था। बट द कोर्ट पास द जजमेंट दैट ए कैन नॉट रिकवर मनी फ्रॉम बी सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन। किसी की शादी तुड़वा के आप शादी करना चाहते हो, इसके बदले आप पैसे दे रहे हो, दैट मीन्स कि आपका जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है, वो अनलॉफुल कंसिडरेशन है। तो ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसको हमारा कोर्ट जो है वो वॉइड करार देता है, किस बिहाफ में, अनलॉफुल कंसिडरेशन के बिहाफ में, ठीक है। और अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई एडवांस ले लिया गया है तो वो एडवांस आपका रिकवर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर आपका जो कंसिडरेशन है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, मतलब पब्लिक की पॉलिसी जो हमारा कम्युनिटी है उसके खिलाफ है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी वॉइड होगा, ठीक है। अगर आपका कंसिडरेशन अनलॉफुल है, आपका ऐसा कंसिडरेशन है जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो बिल्कुल ही वॉइड होंगे। तो कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होते हैं, पब्लिक पॉलिसी को अपोज करते हैं, वो कुछ इस टाइप के हैं। देखिए, ट्रेडिंग विद द एनिमी। ट्रेडिंग विद एनिमी का मतलब कि आप किसी दुश्मन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए, एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद अ पर्सन फ्रॉम अ कंट्री विद होम इंडिया इज एट वार विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। अगर आप किसी एग्रीमेंट में आते हैं, कैसे एग्रीमेंट में आते हैं, ट्रेडिंग करने के एग्रीमेंट में आते हैं, ऐसे पर्सन के साथ एग्रीमेंट में आते हैं जिस कंट्री के साथ अभी इंडिया का वार छिड़ा हुआ हो, वार चल रहा हो, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं किसी पाकिस्तानी सिटीजन के साथ, ठीक है, और उस समय इंडिया के साथ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच करगिल वार चल रहा हो, तो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसके साथ ट्रेडिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं एनिमी के साथ। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब है कि कठोर मुकदमा, है ना, यानी कि अगर आप किसी नेचुरल कोर्स ऑफ लॉ से बचने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी कठोर मुकदमे से बचने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए एग्री टू सेल लैंड टू बी इफ ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। ए एग्री करता है कि वो अपने लैंड को बी को बेच देगा अगर वो उसके खिलाफ किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना करे तो, मतलब उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट ना करे तो वो अपने जमीन को बी को बेच देगा, ठीक है। तो ऐसे भी जो अग्रीमेंट होते हैं वो बिल्कुल ही वॉइड होते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड चैम्पटी। मेंटेनेंस अग्रीमेंट इज व्हेन अ पर्सन प्रॉमिस टू मेंटेन अ शूट इन विच ही हैज नो रियल इंटरेस्ट।
मेंटेनेंस एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जहाँ पे कोई पर्सन प्रॉमिस करता है कि वो किसी लीगल शूट को मेंटेन करेगा, है ना। कोई शूट किया है, फाइल किया है, तो उसको वो मेंटेन करेगा, जबकि उस शूट को फाइल रखे रहने में, मेंटेन रखने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और चैम्पटी का मतलब क्या होता है, व्हेन अ पर्सन अग्रीज टू असिस्ट अनदर पार्टी, जब कोई पर्सन एग्री करता है, एग्रीमेंट में आता है कि वो दूसरी पार्टी को असिस्ट करेगा किसी लिटिगेशन में, किसी मुकदमे के अंदर, और वो मुकदमा कैसा है, जहां पे कोई डैमेज हुआ हो, ठीक है। ऐसे में वो कैंपेनियन दे रहा है, मतलब वो उसका सहयोगी बन रहा है। ऐसे दोनों ही एग्रीमेंट के जो कंसिडरेशन है ना, वो अनलॉफुल है। यहाँ पे कोई ऐसा लीगल शूट फाइल कर रहा है जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे किसी मुकदमे में कोई किसी का साथ दे रहा है जबकि उस मुकदमे के अंदर किसी डैमेज की बात की जा रही है, तो दोनों में ही जो कंसिडरेशन है वो क्या है, अनलॉफुल है। इसलिए इस टाइप के जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। नेक्स्ट क्या है, एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल। ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जाए जहां पे किसी पब्लिक टाइटल को बेचा जाए, है ना, मतलब आप मुझे जॉब लगा दो, उसके बदले आपको मैं इतने पैसे दूंगा, आप अपना पोस्ट मुझे दे दो, इसके बदले मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ठीक है। इस टाइप के जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, किसी पब्लिक ऑफिसेस के टाइटल या फिर उसका सेल जो होता है उससे रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको हम वॉइड बोलते हैं, क्योंकि आप किसी क्वालिफाइड पर्सन की जगह को पैसे दे करके एग्रीमेंट के माध्यम से हटा रहे हो, उसमें इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे कंसिडरेशन है और जो ऑब्जेक्ट है, दोनों ही अनलॉफुल है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ए प्रोमिस टू पे बी ₹5,000 इफ बी सिक्योर्स हिम एन एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस। ए प्रोमिस करता है बी को कि अगर बी उसको एक सरकारी नौकरी देता है तो वो उसको ₹5,000 देगा इसके बदले, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही क्या है, अनलॉफुल है। नेक्स्ट क्या है, अ प्रोमिस टू पे, इसी का एग्जाम्पल है, ए प्रोमिस टू पे अ सम टू बी इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम टू रिटायर एज टू प्रोवाइड रूम्स फॉर एज अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक ऑफिस हेल्ड बाई बी, द एग्रीमेंट इज वॉइड। ए प्रोमिस करता है बी को कि अगर अपना रिटायरमेंट घोषित कर दे तो वो उसको कुछ पैसे देगा, क्योंकि जैसे ही वो अपना रिटायरमेंट घोषित करेगा तो ए उस पोस्ट के लिए अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो ये जो एग्रीमेंट है ये भी वॉइड है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही अनलॉफुल हैं। ये केस था बेसिकली सामिंथा वर्सेस मुथुसारणी का, ठीक है। ये एक केस था जो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग केस के नाम भूल जाते हैं, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप आराम से उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्रीमेंट्स टू क्रिएट मोनोपोली। अब ऐसे एग्रीमेंट्स जिनके वजह से किसी तरीके की मोनोपोली क्रिएट हो जाए, ये भी बिल्कुल वॉइड होते हैं। बीइंग अपोज्ड टू पब्लिक इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली आर वॉइड। एग्जाम्पल देखिए, इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ झेलम वर्सेज हरिचंद, a local body granted a monopoly to A to sell vegetable in a particular locality. District board जो था झेलम का और हरिचंद का ये केस था, जहां पे जो local body है उसने A को पूरी अनुमति दे दी कि तुम अकेले पूरे मंडी के अंदर vegetable बेचोगे, locality में जितनी भी सब्जियां बिकेंगी वो तुम्हारी ही बिकेंगी, उसको agreement कर दिया उसके साथ कि तुम्हारी monopoly होगी पूरे सब्जी मंडी में, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये क्या है, वॉइड है। क्यों, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट अगर मोनोपोली क्रिएट करने के लिए किया जाता है तो वो क्या होता है, हमारा वॉइड होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, एन एग्रीमेंट टू ब्रोकरेज मैरिज फॉर रिवॉर्ड। मींस ऐसे एग्रीमेंट जो आप किस लिए करते हैं, मैरिज के ब्रोकरेज के रिगार्डिंग, अगर शादी हो जाती है तो इसके बदले आपको ब्रोकरेज दिया जाएगा, ऐसे एग्रीमेंट अगर आप करते हैं तो वो बिल्कुल ही वॉइड होता है। इट इज एन एग्रीमेंट इन विच वन और अदर पार्टीज टू इट और थर्ड पार्टीज रिसीव अ सर्टेन मनी इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज।
यहाँ पे क्या है ना कि कोई सामने वाली पार्टी अगर मैरिज परफॉर्म करा देती है तो उसके बदले उसको एक सर्टेन सम ऑफ मनी दिया जाएगा, ऐसा अगर एग्रीमेंट किया जाता है दो पार्टीज के बीच में, तो ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ एग्रीमेंट होगा और ये एग्रीमेंट जो होगा वो बिल्कुल ही वॉइड होगा। तो अगर मान लो कि ये एग्रीमेंट हो जाता है और मैरिज परफॉर्म हो जाता है और सेकेंड पार्टी को पैसे नहीं दिए जाते, तो सेकेंड पार्टी कभी भी कोर्ट में जाकर के इस पैसे का डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि ये एनफोर्सिएबल होगा ही नहीं। और अगर मान लो सेकेंड पार्टी ने कोई एडवांस ले लिया है और मैरिज परफॉर्म नहीं करवाया तो उस पैसे को आप रिकवर भी नहीं कर सकते लीगल। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए। ए एक पुरोहित है जो प्रोमिस करता, ए या पुरोहित वॉज प्रोमिस रुपीज 15 कंसिडरेशन ऑफ प्रोक्योरिंग अ सेकेंड वाइफ फॉर बी। ए एक पुरोहित है जिसको प्रोमिस किया जाता है कि अगर वो बी के लिए सेकेंड वाइफ ढूंढ के ला देगा तो उसको 50 रुपए रिवॉर्ड के तौर पे दिए जाएंगे। ठीक है, सब्सिक्वेंटली ए फाइल्स अ केस अगेंस्ट बी टू रिकवर द सेड अमाउंट। ए भाई जो पुरोहित साहब थे ना, उन्होंने दुल्हन तो ढूंढ दी लेकिन उनको जो बोला गया था पैसा वो उनको मिला नहीं। अब पुरोहित चला जाता है कोर्ट के अंदर और ये केस फाइल कर देता है कि बी ने मुझे बताए गए पैसे नहीं दिए। ठीक है, अब इट वॉज हेल्ड दैट सच अ प्रोमिस अमाउंटेड टू मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट विच आर इलीगल एंड द अग्रीमेंट वॉज अनएनफोर्सिएबल। अब क्योंकि कोर्ट ने कहा कि भाई तुम्हें जो ये कंसिडरेशन वाला अमाउंट बोला गया था ना, ये एक मैरिज ब्रोकरेज का अमाउंट था और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल ही इलीगल है, एग्रीमेंट आगे एनफोर्स हो ही नहीं सकता, इसलिए इस सूट को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। नेक्स्ट क्या है, अग्रीमेंट इन रीस्ट्रेंट ऑफ पैरेंटल राइट। पैरेंटल राइट के अगेंस्ट अगर कोई एग्रीमेंट है, इस पैरेंटल राइट को तोड़ने के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। फॉर माइनर चिल्ड्रेन देयर फादर इज द लीगल गार्डियन एंड इन एब्सेंस देयर मदर विल बी द लीगल गार्डियन। अगर कोई माइनर चिल्ड्रेन है, कोई माइनर पर्सन है, बच्चा है, तो उसका जो फादर होता है ना वो लॉ के नजर में उसका लीगल गार्जियन होता है। ठीक है, और अगर फादर नहीं है तो उसकी माँ उसकी लीगल गार्जियन होती है। दैट मीन्स वॉट, अ फादर बाई लॉ इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ हिज माइनर चाइल्ड एंड सो कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विच इज नॉट कंसिस्टेंट विद हिज ड्यूटीज अराइजिंग आउट ऑफ सच कस्टडी। लॉ के नजर में फादर ही किसी भी माइनर चाइल्ड का सही मायने में कस्टोडियन होता है, सही मायने में गार्जियन होता है, तो ये फादर कभी भी ऐसे एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता जो कि उसके इस गार्जियन की ड्यूटी निभाने से ऊपर चला जाए। और अगर वो ऐसे एग्रीमेंट में आता है जो उसके इस ड्यूटी की खंडन कर रहा हो तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रीस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें किसी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी छिन रही है, ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट भी पब्लिक पॉलिसी के अंदर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होते हैं और बिल्कुल ही वॉइड होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, एक्स द डेटर, एक्स एक डेटर है, कुछ पैसे वाई से बोरो करता है। ठीक है, द मनी लेंडर ऑन प्रोमिस दैट ही वुड नॉट विदाउट हिज रिटन कंसेंट लीव हिज जॉब, बोरो मनी, डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी और चेंज हिज रेसिडेंट। अब भाई बेचारा ग्रहण तो कर नहीं दिया पैसे लेकर के, एक्स एक डेटर है, जैसे ही वो वाई से पैसे लेता है ना तो वाई उसको ना प्रोमिस करवाता है, एक एग्रीमेंट पे साइन करवा देता है। और उस एग्रीमेंट में क्या होता है कि अगर जब तक मैं रिटन कंसेंट ना दूं, लिखित तौर पे तुमको अनुमति ना दूं, तो तुम ना तो अपनी जॉब छोड़ सकते हो, ना दूसरे किसी से पैसे बोरो कर सकते हो, ना ही अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकते हो, ना ही अपने रेसिडेंट का एड्रेस चेंज कर सकते हो। तो उस पे इतनी सारी पाबंदियां लगा दी गई, मतलब कि उसकी पर्सनल लिबर्टी को उससे छीन लिया गया। ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट बिल्कुल ही वॉइड और इलीगल होंगे क्योंकि ये किसी पर्सन की पर्सनल फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रीस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। मैरिज के अगेंस्ट अगर कोई एग्रीमेंट होता है, देखिए, एन एग्रीमेंट इन रीस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। अगर कोई भी रीस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट की जाती है अदर देन माइनर, तो वो वॉइड होगा। आप किसी को बोल दो आप लाइफ टाइम शादी नहीं करो, अगर ऐसे एग्रीमेंट, इसके बदले मैं आपको कुछ दूंगा, ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट बिल्कुल ही वॉइड होते हैं माइनर को छोड़ करके। लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी फॉर एवरी पर्सन टू मैरी।
लॉ नहीं कहता हर पर्सन को, ये कंपलसरी नहीं बनाता कि हाँ ये जरूरी है कि आपको मतलब रहना है हमारे नेशन के अंदर तो आपको शादी करनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई कंपलसरी वाला रूल नहीं है। बट इफ एनी पर्सन अग्री नॉट टू मैरी एट ऑल, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड इज देयरफॉर वॉइड। लेकिन अगर कोई पर्सन एग्रीमेंट कर दे कि हाँ वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से या फिर कभी जिंदगी में शादी करेगा ही नहीं, उसके बदले वो कुछ कंसिडरेशन रिसीव कर ले, तो ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होते हैं। आप लॉ नहीं कहता कि आप शादी करो, ठीक है, कंपलसरी नहीं बनाया गया है, लेकिन अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हो और ये बोलते हो कि मैं लाइफ टाइम शादी नहीं करूंगा, इसके बदले आप कुछ कंसिडरेशन रिसीव कर लेते हो, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी नहीं करूंगा, इसके बदले आप कोई कंसिडरेशन रिसीव कर लेते हो, तो ये अनलॉफुल है और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एन प्रोमिसेस टू मैरी ओनली एम, एन क्या प्रोमिस करता है कि वो सिर्फ एम से शादी करेगा और किसी से नहीं। एंड टू पे एम अ सम ऑफ 5,000 इफ ही मैरिड समवन एल्स। अब कहता है कि भाई मैं एम के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, देन आफ्टर एम को 5,000 रुपए देता है और बोलता है कि तुम भाई किसी से शादी कर लो, ठीक है, एन मैरिड हो, और इस 5,000 को लेकर के एन किससे शादी कर लेती है, ओ से शादी कर लेती है। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट वॉज इन री स्ट्रेंथ ऑफ मैरिज एंड देयरफॉर इट इज वॉइड। पहली बात तो तुमने कहा मैं एम के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, तो यहाँ पे तुमने शादी पे रोक लगा दी। उसके बाद कहा कि चलो हम एम की शादी किसी और से करवा देते हैं, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि तुम कभी शादी करोगे ही नहीं, और इसके लिए तुम क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट होते हैं रीस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के, ये बिल्कुल ही वॉइड होते हैं, अनलॉफुल होते हैं, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होते हैं। नेक्स्ट क्या है, अग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विथ मैरिटल ड्यूटी, मतलब वैवाहिक जो कर्तव्य है उसको रोकने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट होता है, वैवाहिक कर्तव्य के अगेंस्ट कोई एग्रीमेंट होता है, तो वो भी वॉइड माना जाता है। ठीक है, मैरिटल ड्यूटी के अगेंस्ट अगर कोई एग्रीमेंट है तो वॉइड है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। एग्जाम्पल देखिए, ए अ मैरिड पर्सन प्रोमिसेस टू मैरी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और आफ्टर द डेथ ऑफ स्पाउस। अगर कोई मैरिड पर्सन किसी दूसरे पार्टी को प्रोमिस कर दे कि उसकी जो स्पाउस है ना, या उसका जो स्पाउस है ना, उसके रहते या उसके डेथ के बाद वो किसी और से शादी करेगा, तो ये क्या है, ये जो एग्रीमेंट है ये बिल्कुल ही वॉइड है, क्योंकि वो मैरिड है, उसकी मैरिटल ड्यूटीज बनती हैं, और उस मैरिटल ड्यूटी के अगेंस्ट जाके वो एग्रीमेंट कर रहा है, तो ये अनलॉफुल है, वॉइड है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, ए एंटर इंटू एन एग्रीमेंट विथ वी इन कंसिडरेशन ऑफ हर गेटिंग अ डाइवोर्स एंड मैरिंग ई। ए एक एग्रीमेंट में एंटर करती है बी के साथ, ठीक है, और किस कंसिडरेशन में, कि वो डाइवोर्स देगा और ए से शादी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मैरिटल ड्यूटी के अगेंस्ट कर रहे हो, तो ये जो एग्रीमेंट है ये क्या है, वॉइड है। नेक्स्ट क्या है, एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, एन एग्रीमेंट विच इज मेड विथ एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और रेवेन्यू अथॉरिटीज इज नॉट एनफोर्सिएबल एंड इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं जिसमें आप क्रेडिटर के साथ गलत करने के उद्देश्य से ये एग्रीमेंट करते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होते हैं और एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रीस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब आपने किसी को ट्रेड करने से मनाही कर दी, आप ऐसा एग्रीमेंट कर दे रहे हो कि आगे आप किसी और के साथ बिजनेस कर ही नहीं सकते, है ना, ऐसा वाला जो एग्रीमेंट होता है वो हमेशा के लिए वॉइड होता है। बाय लॉ एवरी एग्रीमेंट बाय विच वन इज रीस्ट्रेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज वॉइड टू दैट एक्सटेंट। लॉ के अनुसार अगर आप कोई एग्रीमेंट कर देते हैं और किसी पर्सन को रोक देते हैं कोई लॉफुल प्रोफेशन या ट्रेड या बिजनेस करने से पूरे जिंदगी भर के लिए, तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो बिल्कुल ही वॉइड होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ए एंड बी वेयर राइवल शॉपकीपर्स इन ए लोकेलिटी इन कोलकाता। ठीक है, ए और बी दो राइवल शॉपकीपर हैं, दोनों कॉम्पिटिटर हैं कोलकाता के अंदर में। बी अग्री टू पे ए अ सम ऑफ मनी। बी क्या करता है, एग्री करता है ए से कि वो उसको कुछ पैसे देगा अगर If he would close his business in that locality, अगर वो
इस पर्टिकुलर शॉप को इस लोकेलिटी से बंद कर दे, तो ए डिड सो बट बी रिफ्यूज टू पे हिम द मनी, हेल्ड द एग्रीमेंट वॉज वॉइड। ए ऐसा कर देता है, ठीक है, कि भाई चलो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है, कि ए बोलता है ठीक है तुम मुझे पैसे दे दो, मैं इस दुकान को बंद कर देता हूं। अब बी ना वो दुकान बंद करने के बाद जब उससे पैसे लेने जाता है तो बी बोलता है नहीं मैं तुझे पैसे नहीं देना, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, ठीक है, रिफ्यूज कर देता है। अब ए जो है ना वो इसको आगे नहीं बढ़ा सकता, इस एग्रीमेंट के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। और अगर कोई पैसे बी दे भी देता था तो ए से वो रिकवर नहीं कर सकता है लीगली, क्योंकि ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वॉइड है। यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।